12 किलो गांजा के साथ दो तस्कर हुए गिरफ्तार। भागलपुर ब्रह्मपुत्र मेला एक्सप्रेस से शनिवार की सुबह गांजा ला रहे दो तस्करों को मोजाहिदपुर थाना के समीप रेलवे लाइन पर भगाते हुए सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार निशाब चौक के निवासी है। सीआईडी की टीम ने आगे की कार्यवाही के लिए दोनों युवकों को मोजाहिदपुर बरामद किया गया। सीआईटी सेक्टर 3 को गुप्त सूचना मिली थी। ब्रह्मपुत्र मेल से 3 युवक हैं, वो गांजा लेकर आ रहे हैं और वो जैसे ही रेल से उतरे वैसे ही इनको घर पहुंचा गया। उनके पास से करीब 12 केजी पैक सील्ड गांजा बरामद हुआ है और तीनों लड़के ही साक्षक थाने के रहने वाले हैं। उनसे और पूछताछ हुई कि कहाँ से लेकर आए हैं और क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है, इसका पता लगाया जाएगा। सर, जैसे सावन है और इसमें गांजा अधिक खपाने के लिए लाया जाता है सुल्तानगंज, इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है क्या? ये अभियान तो लगातार चलते रहता है। ऐसी कोई भी सूचना आती है कि कोई नारकोटिक्स पदार्थ जो कि बैंड है कानून के द्वारा, अगर इसकी सूचना मिलती है ब्राउन शुगर या कोई भी अन्य तरह की, तो इस पर हम लोग छापेमारी करते हैं और गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं।